श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड अध्याय 96 लक्ष्मण का शाल वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को देखना और उनके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्गार प्रकट करना। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए और तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य फल मूल के गूदे से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने उनका लालन करने लगे। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार की बातें कर रहे थे, प्रिय ये फल परम पवित्र है, ये बहुत स्वादिष्ट है तथा इस कंद को अच्छी तरह आग पर सेका गया है। इस प्रकार वे उस पर्वतीय प्रदेश में बैठे हुए ही थे कि उनके पास आने वाली भरत की सेना की धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए और आकाश में फैलने लगे। इसी बीच में सेना के महान कोलाहल से भयभीत एवं पीड़ित हो हाथियों के कितने ही मतवाले युद्धपति अपने युद्धों के साथ संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सेना से प्रकट हुए उस महान कोलाहल को सुना तथा भागे जाते हुए उन समस्त युद्धपतियों को भी देखा। उन भागे हुए हाथियों को देखकर और उस महाभयंकर शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी उद्दीप्त तेज वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई है। देखो तो सही, ये भयंकर गर्जन के साथ कैसा गंभीर तुमुल नाद सुनाई देता है। सुमित्रा नंदन, पता तो लगाओ, इस विशाल वन में ये जो हाथियों के झुंड अथवा भैंसे या मृग जो सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं, इसका क्या कारण है? इन्हें सिंहों ने तो नहीं डरा दिया है, अथवा कोई राजा या राजकुमार इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है, या दूसरा कोई हिंसक जंतु तो नहीं प्रकट हो गया है? लक्ष्मण, इस पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत कठिन है, फिर यहाँ किसी हिंसक जंतु व राजा का आक्रमण कैसे संभव है? अतः इन सारी बातों की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुंह करके देखने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी जो हाथी घोड़े और रथों से परिपूर्ण तथा प्रयत्नशील पैदल सैनिकों से संयुक्त थी। घोड़ों और रथों से भरी हुई तथा रथ की ध्वजा से विभूषित उस सेना की सूचना उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दी और यह बात कही, आर्य, अब आप आग बुझा दें, अन्यथा धुआं देखकर यह सेना यहीं चली आएगी, देवी सीता गुफा में जा बैठें। आप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लें और बाण तथा कवच धारण कर लें। ये सुनकर पुरुष सिंह श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा, प्रिय सुमित्रा कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझ में ये किसकी सेना हो सकती है? श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति उस सेना की ओर इस तरह देखने लगे मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हों, और इस प्रकार बोले, भैया, निश्चय ही यह कैकेयी का पुत्र भरत है जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रहा है। सामने की ओर यह जो बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता है, उसके समीप जो रथ है उस पर उज्ज्वल तने से युक्त कोविदार वृक्ष से चिन्हित ध्वज शोभा पा रहा है। ये घुड़सवार सैनिक इच्छानुसार शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ हो इधर ही आ रहे हैं और ये हाथी सवार भी बड़े हर्ष से हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। वीर, हम दोनों को धनुष लेकर पर्वत के शिखर पर चलना चाहिए अथवा कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण किए यहीं डटे रहना चाहिए। रघुनंदना, आज ये कोविदार के चिन्ह से युक्त ध्वज वाला रथ रणभूमि में हम दोनों के अधिकार में आ जाएगा और आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार उस भरत को भी सामने देखूंगा कि जिसके कारण आपको, सीता को और मुझे भी महान संकट का सामना करना पड़ा है तथा जिसके कारण आप अपने सनातन राज्याधिकार से वंचित किए गए हैं। वीर रघुनाथ जी, ये भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया है, अतः वध के ही योग्य है।
भरत का वध करने में मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता। रघुनंदना, जो पहले का अपकारी रहा हो उसको मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं होता है। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया है, अतः उसे मारने में नहीं जीवित छोड़ देने में ही अधर्म है। इस भरत के मारे जाने पर आप समस्त वसुधा का शासन करें। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राज्य का लोभ करने वाली कैकेयी आज अत्यंत दुख से आर्त हो इसे मेरे द्वारा युद्ध में मारा गया देखे। मैं कैकेयी का भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों से वध कर डालूंगा। आज ये पृथ्वी कैकेयी रूप महान पाप से मुक्त हो जाए। मानद, आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सेनाओं पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर में आग लगा दी जाए। अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीरों के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। मेरे बाणों से विदीर्ण हुए हृदय वाले हाथियों और घोड़ों को तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों को भी गीदड़ आदि मांसभक्षी जंतु इधर उधर घसीटें। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है।